आपने जब गोरी बनाई है जी, तो रिकॉर्डिंग तो इसी गाने की शायद होने वाली थी। हाँ, इसी गाने, उनकी जो डेथ हुई वो यही गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। एक्चुअल में हम लोग मतलब पूरी तैयारी कर चुके थे और म्यूजिशियन आ चुके थे, तो मैं एक दिन पहले उनसे मिला था, तो उन्होंने बोला थोड़ा जल्दी आ जाना, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। तो डैनियल मैन ऑफ डैनियल साहब जो थे वो अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे 11 बजे का टाइम था उनका आने का, हम तो पहुंच गए थे 10 बजे, तो 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गया। तो हमने परेशानी हमको ये हुई कि वो कभी लेट होते नहीं, तो हमने उनको घर पे फ़ोन किया, जब घर पे उनको फ़ोन किया तो हमने फ़ोन उठाया, हमने पूछा भाई शंकर जी हैं, तो बोले वो तो अलीबाग गए। तो मेरे को एकदम ऐसा डाउट लगा कि वो आदमी इतने तो लापरवाह नहीं है कि रिकॉर्डिंग रख के अलीबाग चले गए और हमको मालूम नहीं था। खैर, पहले मोबाइल वगैरह थे नहीं, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, और मैं खुद भी बांद्रा खेरवाड़ी में एक झोपड़े में रहता था, तो अपने पास भी फ़ोन नहीं था। तो हमने बोला भाई हो सकता है हमसे कांटेक्ट, लेकिन मैंने डैनियल से पूछा कि भाई अगर हमसे कांटेक्ट नहीं होगा तो डैनियल से तो होगा। डैनियल ने बोला नहीं, मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद हमने फ़ोन तो रख दिया, मैंने कहा एक बार नहीं, पहले उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब है, तो हमने कहा आप उनसे हमारी बात तो कराइए, बोले आप बाद में फ़ोन करना। फिर मैंने बाद में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अलीबाग गए। तो जब ये दो विरोधाभास मिले कि अभी थोड़ी देर पहले तबीयत खराब थी और अभी अलीबाग गए, तो मैंने डैनियल को बोला कि डैनियल साहब मुझे भी गड़बड़ लग रही है, या तो वो घर पे ही हैं हमसे बात करना नहीं चाहते, और वो अगर आए नहीं हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हालांकि स्कोर सब बन चुका, सब हो चुका, सब कुछ हो गया, वो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किशोर दा को फ़ोन किया कि आज रिकॉर्डिंग कैंसिल, मतलब उनको क्या जवाब देंगे हम लोग। उसके बाद मैंने सोचा मैं शारदा जी से पूछूं, तो शारदा जी को मैंने फ़ोन लगाया, तो शारदा जी ने बोला कि नहीं वो तो कल रात को, कल मेरे बोले मिले थे मुझे रात को 7 बजे तक हम साथ में थे, फिर वो घर चले गए थे, तबीयत तो ठीक थी, लेकिन आप तो रिकॉर्डिंग चालू रखो, मैं आती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं और वो आ जाती है, और हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो वो बुरा मानेंगी, और अगर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो वो बुरा मानेंगे। सही बात। तो हमने पैकअप कर दिया, और जैसे ही पैकअप हम लोग बोला ही था, तो सब साजिंदे जो थे वो अपने अपने साज उठा रहे थे, तब एक लड़का आया, उसने कहा सुधाकर शर्मा कौन है? मैंने कहा भाई मैं हूँ। तो बोले शंकर जी ने ना चाबी मंगाई है स्टूडियो की, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन शंकर जी हैं कहाँ? बोले घर पे। मैंने कहा आप मेरी बात करा दीजिए एक बार, तब तक शारदा जी आ गए। फिर उनकी आपस में बातचीत हुई, तो बोले कि नहीं आप हमें चाबी दे दीजिए, उन्होंने बोला है। मैंने बोला लेकिन आप जब तक मेरी बात नहीं कराएंगे मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं बात कर ही रहा था तब वो लड़का निकल गया। शारदा जी ने बोला कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो अलीबाग का नाम लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से वो निकली और फिर वो हॉस्पिटल गई, इधर उधर उन्होंने देखा, फिर वो आ गई वापस। हम लोग पैकअप करके वहीं बैठे थे, तो जब पता लगा, कहीं नहीं पता लगा, तो ये कोई शाम के 5 बज गए, और 5 बजे जब हमें पता लगा कि भाई अब कुछ नहीं है तो कल ही बात करेंगे, तो हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ के अपने घर आ गए। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, टीवी लगा रहे थे। अच्छा। और टीवी में हमने न्यूज़ पढ़ी। अच्छा। कि शंकर जी नो मोर। तो हम पागल हो गए कि अब ये क्या हुआ। तो हम फिर दोबारा टैक्सी लेके भागे और उनके घर गए, घर वही लड़का मुझे दोबारा मिला। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि आप तो बोल रहे थे कि शंकर जी चाबी मंगा रहे हैं उनके, तो होगी। बोले तुमको क्या लेना है, ऐसा करके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम शारदा जी के पास गए, फिर शारदा जी ने बताया, वहाँ पर भी झमेला हो चुका था। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि ये हो गया वो हो गया। अब हम लोग फिर शमशान गए। अच्छा। शमशान जब गए तो वहाँ हमने पता किया, तो बोले नहीं
यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग बड़े हैरान, हम वापस शंकर जी के घर आए और वहाँ पे हमने लिफ्ट वाले से पूछा कि तूने शंकर जी को ऊपर जाते कितने बजे देखा। तो उसने हमें बताया कि साहब अभी मैं आपको क्या बताऊँ, एक्चुअल में उनकी डेथ हुई और ये डेथ हुई है और ये सुबह 6 बजे इन्होंने क्रियाकर्म भी कर दिया उसी दिन सुबह में। तो हम वापस फिर वहाँ गए शमशान और वहाँ फिर हमने कहा कि यार ऐसे ऐसे सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास, तो उन्होंने लिस्ट बताई तो उसमें लिखा हुआ था शंकर सिंह रघुवंशी। अच्छा अच्छा, पूरा नाम दे दिया था, नाम दे दिया। तो हमको पता लगा, तो फिर उसके बाद हमारा काफी झगड़ा हुआ वो बच्चों आ, वो तो फिर हमें पता लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई उनका तो कोई आगे पीछे था ही नहीं, ना क्या किया जा सकता। राज कपूर साहब आए थे तेरा, उनका जो तीजा था, तो उन्होंने ये बात जरूर बिल्डिंग में खड़ा होकर बोली थी कि उनमें से नीचे कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, लेकिन साहब देखो बोलना और करना, यहाँ तो कोई किसी का है नहीं। उसके बाद 4 दिन बाद जब हम स्टूडियो गए तो पता लगा कि स्टूडियो में ऐसे गोदरेज की अलमारियाँ भरी पड़ी थी, 10-12 एक तरफ थी, 10-12 एक तरफ थी, वो सब गायब हुई। मेरा ये क्या, एक्चुअल में ये रूम था राज कपूर साहब का जो उन्होंने इनको गिफ्ट दिया। ओ अच्छा, वो जो रूम है वो राज कपूर साहब को दिया हुआ, गिफ्ट किया हुआ, गिफ्ट किया हुआ है। वो पहले उनका ऑफिस होता था। अच्छा, तो उन्होंने ये आवारा के आवारा में गिफ्ट किया। अच्छा अच्छा, भैया आप ये स्टूडियो ले लो। अच्छा, और वो स्टूडियो जो गिफ्ट था वो होता क्या था कि शंकर जयकिशन की भी कोई एग्रीमेंट नहीं था। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही चला आ रहा था, तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते थे। बाद में हमने जब फिल्म रिलीज होने की बात आई तो कोई उनका गुलशन कुमार आता था म्यूजिक मांगने के लिए, तो शंकर जी बोलते थे ये इसको नहीं देना, ये आदमी ठीक नहीं है। क्या शंकर जी भी, फिर बाद में हम लोग जब गली गली घूमे तो किसी को म्यूजिक ही नहीं लिया। उनका ये था कि इस म्यूजिक को आप जो है ना किसी और के नाम से दो, तो हम बड़े परेशान हुए थे। फिर हमने एनोक डेनियल का नाम दिया। हाँ, बाद में फिर कांच की दीवार और ये सब, वो सब लोचे मारे सब। और मैं तो कहूँगा कि कुछ ऐसा अभिशाप था इस गाने के साथ कि आप ये गाने की कहानी, मतलब ये गाना नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों बाद जब ये गाना हमको रिकॉर्ड करना था तो मैं किशोरदा के पास गया। किशोरदा के साथ मैंने 17 साल काम किया एज ए असिस्टेंट, तो उन्होंने गाने से मना कर दिया कि यार मैं ये गाना नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले जयकिशन मरा था तो उसका भी लास्ट गाना मैंने गाया था, इनका हो गया तो इनका भी लास्ट गाना मेरा होगा। तो मैंने उनसे कहा साहब देखो ये तो कुदरत की बात है, ये तो बड़ी बात है कि दोनों के लिए आपने गाना गाया, तो आप प्लीज गा दीजिए, तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है, आपकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। तो 5-7 दिन के बाद फिर मैं एक बार उनको मनाने गया, खैर वो मान गए और गाना गा दिया। कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, ये गाना, इस गाने के बाद तो नहीं डेथ हुई? नहीं नहीं, इस गाने के बाद और कुछ गाना उन्होंने वो गा रहे थे, लेकिन हमारा ये गाना अभी स्टूडियो से आया नहीं था। अच्छा अच्छा, हम लोग स्टूडियो से उनकी डेथ के बाद लेके आए। अच्छा, तो वो लेके आए हम लोग, तो ये गाना मैं स्टूडियो से लेके आ रहा था, ऐसे टेप मेरे हाथ में थी, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मतलब मुझे लगा कि मैं मर गया, सामने से एक BST की बस ने मुझे ठोक दिया। अच्छा, और मैं बेहोश हो गया, टेपें गिर गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक तो बस चढ़ी नहीं ऊपर, और ऊपर से वो बाजू में एक ऑफिस था जिसका यूनिट बाहर जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो छत के ऊपर सामान चढ़ा रहे थे बस की, तो उनकी नज़र पड़ गई, वो भागे भागे आए, उन्होंने मुझे पहचान लिया, वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से निकल के आया, पिक्चर शुरू हुई, ये गाना जब पिक्चराइज हो रहा था तो मेरा रिकॉर्डिस्ट मर गया उसी रात को। अच्छा, हम लोग डर गए इस गाने से, और हमने ये गाना फिर पिक्चराइज ही नहीं किया। हमने कहा भाई ये गाना हमको करना ही नहीं है।